My dear friends, now I am taking next topic, burden of proof. Definition. The term burden of proof has nowhere been defined under Indian Evidence Act 1872. According to Phipson, as applied to judicial proceedings, the phrase burden of proof has two distinct and frequently confused meanings. साथियों, ये burden of proof हमारा जो Indian Evidence Act है 1872 में जो आया था उसके अंदर ये burden of proof की definition कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी according to Phipson, a jurist who said, as applied to the judicial proceedings, the phrase burden of proof has distinct and frequently confused meaning. यदि हम इस burden of proof जो phrase है इसको judicial proceeding में apply करते हैं तो इसके दो distinct meaning है और दोनों distinct and frequently कन्फ्यूज्ड मीनिंग है, डिस्टिंक्ट भी है और कन्फ्यूज्ड मीनिंग है, फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड मीनिंग. अब कौन सा है? दो कौन से? फर्स्ट में लेता हूं. अब द बर्डन ऑफ प्रूफ एज मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग, दिस इज द फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101, हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी dependent on the existence of fact which he asserts must prove those fact exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. Iska matlab kya hai sathiyo? Koi bhi vyakti jab court mein case dalta hai, iska matlab defendant ke against dalta hai aur usko क्राइम का यदि डालता है तो उसके क्राइम में उसे सजा दिलवाना चाहता है. यदि पजेशन का केस डालता है तो ये कहता है कि ये इलीगल पजेशन में है, इसको हटाया जाए. यानी कोई भी व्यक्ति केस डालता है तो प्लेंट के अंदर अपने जो फैक्ट्स लिखता है उसके बेसिस पे अपने केस को जीतना चाहता है. लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? यदि ये बर्डन ऑफ प्रूफ समझिए साथियों, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, यानी उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन क्या है. अब यदि वो केस में जीतना चाहता है तो जिन फैक्ट्स के आधार पर वो जीतना चाहता है वो फैक्ट्स उसे प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर. यदि प्रूव नहीं करेगा तो नहीं जीत सकता, यदि प्रूव कर देगा तो जीत जाएगा. दिस इज द बर्डन ऑफ प्रूफ. अब मैं इसके एग्जाम्पल देना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल इसके दूंगा, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या. माय डियर फ्रेंड्स, किंग एग्जाम्पल, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग. इसके दो एग्जाम्पल देता हूं आपको. एग्जाम्पल ए, ए डिजायर से कोर्ट टू जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच सेज बी हैज कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम. देखो, यदि ए चाहता है कि बी को क्राइम मिले, ए कहता है कि बी ने क्राइम कमिट किया है, ही हैज कमिटेड द क्राइम. यदि ए उसको सजा दिलवाना चाहता है तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम. ये है साथियों बर्डन ऑफ प्रूफ. यदि ए बी को सजा दिलवाना चाहता है
उसे ये प्रूव करना पड़ेगा बी हैज कमिटेड द क्राइम, बी क्राइम जो है किया है, ये उसका प्रूफ उसे देना पड़ेगा, ये है बर्डन ऑफ प्रूफ, तभी बी को सजा मिल सकती है, नहीं तो नहीं। अब देखो सेकंड एग्जांपल, ए डिजायर से कोर्ट टू गिव जजमेंट, यहां भी यही कहता है एक इच्छा क्या है कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, क्या दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स व्हिच ही असर्ट्स एंड व्हिच बी डिनाइज टू बी ट्रू, यानी वो ये कहता है कि बी के कब्जे में एक लैंड है और जो जिसका हक मेरा है वो इलीगल रूप से उस पर कब्जा किए हुए है और बी उसको डिनाई करता है कि नहीं नहीं ये जो कह रहा है ये गलत है, लेकिन ये कहता है कि नहीं ये सच है, यदि ए उसका पोजेशन चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट ड्यूटी है तो जमीन एक मिलेगी और बी जैसे डिनाई कर रहा है, यदि बी प्रूव कर देगा कि लैंड ये मेरी है, ऐसे प्रूफ डिफेंडेंट भी तो दे सकता है ना, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ बी के लिए भी लागू है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यदि ए जजमेंट प्रूव करेगा एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को कि बी अपने फेवर में चाहता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट दिया है ये उसमें जो फैक्ट्स हैं तो बर्डन करेगा, यानी इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट टू विन द केस, इट्स ड्यूटी टू ऑफ द फैक्ट्स इवन इन द प्लेंटिफ द प्लेंट, इन द सेम वे इट इज ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट इफ ही वांट्स टू विन द केस ही हैज टू प्रूव द फैक्ट्स इन स्टेट। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए दीज टू एग्जांपल्स। My dear friends, now I am burden of the matter of addition evidence. देखो first में क्या था, first था देने पड़ेंगे यदि वो केस को जीतना चाहता है, यानी जो फैक्ट पड़ेगा जैसे प्लेंटिफ प्लेंट में फैक्ट्स देता है जिसके कारण डिफेंडेंट को सजा मिलनी चाहिए, वो उसकी ड्यूटी बनती है उनको प्रूव करे, ये बर्डन ऑफ प्रूफ था फर्स्ट में। अब सेकंड क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, यानी केस जीतने के लिए हमारी एक प्रक्रिया के अंदर यानी प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या है, एविडेंस का भी एक स्थान है। यदि केस जीतना है तो हमारी एविडेंस जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारे फेवर में केस होगा। हम कोर्ट में विटनेस को ले जाएंगे और एविडेंस वो हमारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यदि देता है और उसकी एविडेंस बिल्कुल फैक्ट्स के अनुरूप होती है और एविडेंस को कोर्ट उसके एक्सेप्ट कर लेता है तो निश्चित रूप से केस उस व्यक्ति के पक्ष में होगा। लेकिन एक बात और यहां पर देखो, रिब्यूटिंग एविडेंस ये भी हो सकता है, फिर डिफेंडेंट भी तो एविडेंस देगा, यानी प्लेंटिफ के एविडेंस को सुन करके डिफेंडेंट भी विटनेस लेकर आएगा और एविडेंस देगा और वो फिर उसकी भी एविडेंस को देखा जाएगा, दोनों एविडेंस को कोर्ट यानी जज कंपेयर करता है, यानी
ये देखता है कौन सी एविडेंस फैक्ट्स के अनुरूप है और कौन सी एविडेंस फैक्ट्स के अनुरूप नहीं है। जब ये कंसीडर कर लिया जाता है ओपोनेंट्स की एविडेंस को भी और प्लेंटिफ की एविडेंस को भी, जब ये अच्छी तरह से उसके जांच पड़ताल कर ली जाती है कि फैक्ट्स के अनुरूप कौन सी एविडेंस है, तभी डिसीजन दिया जाता है। और डिसीजन उसी का बढ़िया होता है जिसकी एविडेंस में दम होता है, जिसकी एविडेंस फैक्ट्स के अनुरूप होती है और उसके फैक्ट्स को ठीक साबित करती है। ऐसी एविडेंस यदि केस जीतना है तो पार्टी को जो है ना ये इच्छा करनी होगी कि एविडेंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू मेक द केस प्राइमा फेसी। यानी केस प्राइमा फेसी कैसे बने, एविडेंस ठीक होगी, मजबूत एविडेंस होगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी तो केस प्राइमा फेसी बन जाएगा और केस जो है पार्टी जीत सकती है, विन कर सकती है। दिस इज द सेकंड, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए मैटर ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द सेकंड सेंस इज कंटेंड इन दिस सेक्शन। इट लाइज एट फर्स्ट ऑन द पार्टी हु वुड बी अनसक्सेसफुल इफ नो एविडेंस एट ऑल वॉज गिवन ऑन आइदर साइड। यदि कोई भी पार्टी एविडेंस नहीं देती इसका मतलब उसकी हार निश्चित है। दिस बीइंग एज सून एज ही प्रोड्यूस एविडेंस विच प्राइमा फेसी गिव्स राइज टू द प्रिजम्पशन इन हिज फेवर, इट मे अगेन शिफ्ट बैक ऑन हिम इफ द रिब्यूटिंग एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाई हिज ओपोनेंट प्रीपोंडरेट्स। दिस बीइंग द पोजिशन द क्वेश्चन एज टू द ओनर्स ऑफ द प्रूफ इज ओनली अ रूल फॉर डिसाइडिंग ऑन होम द ऑब्लिगेशन रेस्ट ऑफ गोइंग फर्दर इफ ही विशेज टू इन। जो मैंने अभी हिंदी में बताया साथियों ये बिल्कुल वही है, ये मैंने इंग्लिश में भी बता दिया और मैंने हिंदी में भी इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया सेकंड को। मैं इसमें एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूँ, नेक्स्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। माई डियर फ्रेंड्स, अब मैं ये सकता है एविडेंस मस्ट है, उसे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इन द प्रोसीडिंग और इन द कोर्ट इफ ही वांट टू विन द केस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 द ऑन आइदर साइड वो जीत नहीं सकता, वो फेल हो जाएगा, वो लूज केस को लूज कर जाएगा। एविडेंस विन करने के लिए मस्ट है। अब जैसे क्या है, इसको प्रूव करने के लिए अब बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी के ऊपर है ना, एविडेंस कोई भी एविडेंस देना किसी फैक्ट की तो एविडेंस। अच्छा एक बात और साथियों, एविडेंस चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, प्राइमरी एविडेंस क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो पक्की एविडेंस होती है। सेकेंडरी जब दी जाती है जब डॉक्यूमेंट गुम हो जाए या किसी के पास रखे वो ना दे, वो सेकेंडरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है वो प्रूव करते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस जिसमें डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तब ये बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये था लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे गुम हो गए या जिस किसी के पास है वो देता नहीं है। इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दी जाती हैं केस को जीतने के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो आप साथियों, ए सूज बी फॉर लैंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप देखिए, ए सूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी बीज फादर। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड
बी वुड बी एंटाइटल टू रिटेन हिज पोजेशन। एक बार देखिए साथियों यहां पर क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और सी बी का फादर है, यानी बी इज ए सन ऑफ सी। अब जमीन बी के पास है, अब वो सी की जमीन थी तभी तो बी के पास थी वो, लेकिन ए ने केस किया बी के अगेंस्ट कि इस जमीन का पोजीशन मुझे मिलना चाहिए। कोर्ट कहता है आपको क्यों मिलना चाहिए, मुझे इसलिए मिलना चाहिए कि जो बी का फादर सी है उसने मेरे नाम पर विल कराई है। तो कोर्ट ये कहता है कि यदि बी के फादर सी ने आपको विल कराई है, यदि ए को विल कराई है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ए, या और यू कैन से इन अदर वर्ड्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द ए, ही मस्ट प्रूव द विल मेड बाई सी। यानी जबानी कहने से कुछ नहीं होता कि सी ने मेरे बी के फादर सी ने मेरे को विल कराई और ये जमीन मुझे दे दो, अब ऐसे थोड़ा ही होता है कि ऐसे दे दे कहने से। यानी प्रूफ तो कोर्ट में देना पड़ेगा ना, एविडेंस देनी पड़ेगी ना, एविडेंस चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। प्राइमरी यदि विल उसके पास विल के कागज हैं तो कोर्ट में दे, और यदि विल गुम होगी, कैसे गुम हुई या किसी के पास रखी है तो वो भी बताए, यदि यानी प्राइमरी एविडेंस दे या सेकेंडरी एविडेंस दे, उससे इट इज द ड्यूटी ऑफ द ए टू प्रूव दैट सी हैज मेड द विल, और यू कैन सी हैज मेड द विल इन फेवर ऑफ मी और इन फेवर ऑफ ए, सो द राइट ऑफ लैंड बिलोंग्स टू ए। यानी कोर्ट ये बात तब तय करेगा जब ए सी की बनाई हुई विल कोर्ट में पेश कर देगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है कि वो इसको सिद्ध करे कि सी ने मेरे को विल कराई, तभी कोर्ट उसको बी से उसका पोजेशन दिलवाएगा लैंड का, नहीं तो अदरवाइज नहीं, ऐसे जबानी कहने से कुछ नहीं। सो ये था एग्जाम्पल, देखो कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बी का फादर सी ए को विल करा रहा है किसी तीसरे व्यक्ति को, और ए उस बी से अपनी उस जमीन को लेना चाहता है, वो कहता है कि तेरे फादर ने मेरे को विल कराई है, छोड़ दे अभी इस जमीन को। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ सेकेंड टाइप अंडर सेक्शन 102। मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बार बार रिपीट करके एक्सप्लेन कर दिया। मैं अब ऐसा समझता हूँ साथियों, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो टॉपिक था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। थैंक्स अगेन।